हेलो दोस्तों, संध्यारी पोजीशन के चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों तो आज हम फिर वीडियो लेके आए हैं, मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई है। तो दोस्तों इस ये वीडियो है जो कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई है, मौलाना जर्जिस अंसारी ने की ये वीडियो है। आइए दोस्तों देखते हैं इनका बयान को किस तरीके से ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, क्या इंसानों ने खुद की है, किस भेष में की है और क्या समझ के ये शुरुआत हुई थी। दोस्तों तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, एंड तक देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आपका कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग बोलते हैं कि हमारे इस वीडियो पे रिएक्शन दीजिए, तो हम लोग दोस्तों उतना समझ नहीं पाते हैं और वीडियो काफी ढूंढते हैं, तो प्लीज उस वीडियो का लिंक दे दीजिए, उस वीडियो पे रिएक्शन दे सके और आसानी हो जाती है हमको उस वीडियो पे क्लिक करके रिएक्शन देने में। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हिंदुओं के बड़े से बड़े पंडितों को आप बिठा लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में चार दोस्त उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, चारों इंडिया के। जो हिंदू है उसका नाम है कृष्णा मेनन। चारों दोस्त खाने की टेबल पर बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, अचानक जिक्र छिड़ गया। एक मुसलमान सवाल कर रहा है, ये मेरा ईसाई दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किस नबी को मानते हो, ये कहेगा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को। ये हमारा यहूदी दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किसको मानते हो, वो कहेगा मोसिस, मूसा अलैहिस्सलाम को। मैं मुसलमान हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तुम किस नबी को मानते हो तो मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्तों इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है। कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। आए मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी। उसने झट से कह दिया चारों वेद, वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब उसने कह दिया। अब देखिए उस मुसलमान ने फिर सवाल घुमाकर कर दिया, आए कृष्णा, वेद आसमानी किताब मानते हो तुम, तो हमें मालूम है मेरी आसमानी किताब कुरान है, उसको लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये ईसाई है, ये जानता है कि इंजील आसमानी किताब और इस किताब को लाने वाला नबी ईसा है, और ये यहूदी है, ये भी मानता है कि हमारी आसमानी किताब तौरात है और इस किताब को लाने वाले नबी मूसा हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम्हारी आसमानी किताब जो है वेद है, उस आसमानी किताब का लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर, मैसेंजर, प्रॉफिट कौन है। कृष्णा मेनन फिर खामोश, कहने लगा किताब तो आसमानी है, आकाशीय है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती हमें नहीं मालूम। और कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि अल्लाह मेरे पास आसमानी किताब तो आई थी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। बुखारी की इस हदीस से किसी हद तक क्लियर हो रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से गहरा हो। मैं अभी भी क्लियर नहीं कह सकता हूं, कोई ये ना कहे कि मौलाना साहब हिंदू धर्म को कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह गए, लेकिन बुखारी की हदीस से जब बहुत से लोग मसाइल का इस्तिदलाल करते हैं तो एक ये मेरा भी एक इस्तिदलाल हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन ये कहेगी अल्लाह मुझे नहीं मालूम, आया तो था कोई लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। और हिंदू धर्म एक ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था लेकिन कौन था ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर सबसे पुराना धर्म प्राचीन
और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है तो कौम नूह के अंदर। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के पांच बुजुर्ग वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन पांच बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर सबसे पहले मूर्ति की पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हो रही है, नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम से हो रही है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नीचे कोई शुरुआत ही नहीं होती है, और ये भी बहुत प्राचीन कौम है, पुरानी कौम है, और ये उसी ज़माने से मूर्ति पूजा करती चली आ रही है। बताइए, उसलूब बदल दो, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी हैं, लेकिन ये वो नबी है, इन्होंने कोई नया दीन नहीं दिया, ये वही दीन है जो मनु लेकर आए, जो कृष्ण जी लेकर आए, जो रामचंद्र जी लेकर आए। रामचंद्र जी का क्या धर्म था आप तो जानते हैं, मेरी किसी तकरीर में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण, ये वाली नहीं, ये जो अभी चली है, ये तो अभी लिखी गई है कुछ दिन पहले, तुलसीदास जी वाली रामायण का तो वजूद अभी से हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए, रामचरितमानस का। पुरानी रामायण जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के आस्था और अकीदे के मुताबिक, 2000 साल पुरानी जो किताब है उनकी वाल्मीकि रामायण, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि जब रावण सीता का हरण करके ले गया और हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करके सीता को लेकर आए तो सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनके पैर छूने लगी कि मुझे आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मैं बच गई, और हनुमान जी ने और लक्ष्मण ने हमको रावण के चंगुल से निकाल लिया और बचा लिया, और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका, ये लोग हमें बचा कर लाए। तो रामचंद्र जी के जब पैर छुए, अपने पति के जब पैर छूने लगी, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा रामचंद्र जी ने उठा लिया अपनी पत्नी को, पैर नहीं छूने दिए, ये कांधा पकड़ा और खड़ा कर दिया, और क्या कहा, राम राम आय नमः, राम राम आय सत्यम अस्ति, हाय सीता मैं तेरा राम हूं, राम राम आय, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। जब आए आ जाए संस्कृत भाषा में राम राम आए, तो आए जब आ जाए तो उसका मतलब का लिए, के लिए, को लिए, का के की का तर्जुमा हो जाता है, राम राम आए, राम के राम को नमः, नमस्कार करो, प्रणाम करो, सर झुकाओ, राम राम आए नमः, राम राम आए सत्यम अस्ति, हाय सीता तू मेरे पैर क्यों छू रही है, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, मेरे सामने क्यों झुक रही है, मैं तेरा राम हूं और राम का राम है ऊपर वाला, राम रामाय नमः, सीता राम के राम को प्रणाम करो, मैं तेरा राम हूं, अपने राम के सामने मत झुको, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को पैर नहीं छूने दिए, अपने सामने सर नहीं झुकाने दिया, अपने सामने झुकने नहीं दिया। रामायण की ये पंक्ति किसी न किसी शक्ल में सुनन नसई और इब्ने माजा के सफहात पर देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हीरा शहर से एक सहाबी आए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमने हीरा शहर के अंदर यहूदियों और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने बादशाहों के सामने सजदा कर रहे हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें, आप ज्यादा हकदार हैं, जब वो लोग अपने बादशाहों के सामने सजदा कर सकते हैं तो हम अपने रसूल के लिए अल्लाह के पैगंबर के सामने सजदा क्यों ना करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय जवाब देने के उनको, बजाय मना करने के, डायरेक्ट मना करने के, आपने उनसे एक सवाल कर लिया, आपने फरमाया अमरत बिकबरी अतस्जुदु लहू, क्या जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसे सजदा करोगे। पढ़िए इब्ने माजा, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अबू दाऊद क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सहाबी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं, यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, ईसाई अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं अपने नबी को सजदा ना करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे।
सवाल हो रहा है जिंदगी में सजदा करने का, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। और आपको फिक्र है इंतकाल के बाद की, क्या मेरे कब्र के ऊपर से गुजरोगे, पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? मतलब क्या था, जिंदगी में तो मैं करने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं रोक लूंगा, ये शिर्क के दरवाजे कभी खुलने नहीं दूंगा, मेरी जिंदगी में तो कभी हम अपने सामने सर झुकाने नहीं देंगे तुम्हें। लेकिन फिक्र हुई इंतकाल के बाद की, ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद जैसे यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, ये लोग कहीं मेरी कब्र को सजदा गह ना बना ले, चूमने चाटने की जगह ना बना ले। तो आपने फौरन सवाल कर लिया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? साहबा ने कहा नहीं, ला قال فلا تفعلوا, करना भी नहीं ऐसा। देखिए अबू दाऊद के अल्फाज, فلا تفعلوا, ऐसा करना भी नहीं, मेरी कब्र के पास से गुजरो तो उसको सजदा करना भी नहीं। इसके बाद आपने क्या फरमाया, रामचंद्र जी वाली बात, क्या कहा, मेरे सामने क्यों झुक रही है, झुकना है तो ऊपर वाले के सामने झुक, अपने राम के, राम के को रमा कर, नमस्कार कर झुक। अल्लाह के रसूल ने भी यहाँ क्या कहा, अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा यहाँ सजदा किसी के सामने, सर झुकाना किसी के सामने जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इस हदीस ने क्लियर कर दिया, रामचंद्र जी ने भी अपने पत्नी को पैर नहीं छूने दिए, यहाँ अल्लाह के रसूल ने क्या कह दिया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने पति को सजदा करे, लेकिन सजदा सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए है ही नहीं, इसलिए बीवी को भी जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर के सामने झुके। हेलो, ये है समानता, ये वीडियो अभी ये है बराबरी जो हिंदू लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि हिंदू में भी यही धर्म है कि सजदा करना है तो भगवान का करना है, ईश्वर का करना है। हिंदुओं में ज्यादातर ये होता है कि पत्नियां पति की पूजा करती है, उनके लिए व्रत रखती है और उनको ही भगवान मानती है, कुछ हद तक भगवान उनको भी माना जाता है या मानती है अपने हिसाब से। जबकि मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में कभी भी मुसलमान एक दूसरे को भगवान नहीं मानते हैं, वो अल्लाह पे ही विश्वास रखते हैं, पांचों टाइम की नमाज अदा करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। हाँ, लेकिन उनका पति पत्नी में एक विश्वास होता है और एक अच्छी भावना होती है, एक मतलब रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, एकदम सर झुका के या नॉर्मल अच्छे से बात करके लहजे में उनको रिस्पेक्ट देते हैं वो अपने पति को, अच्छे से आइए खा लीजिए वो। और हिंदू धर्म में भी ऐसा होती है, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़ाई झगड़े तो होते हैं वो सब धर्म में होते हैं। बट भगवान नहीं मान लेते हैं, पैर नहीं छूते हैं, कहते हैं कि आप ही बस हो जो भी हो, और सर झुकाना है तो जिसको उसने बनाया है उसके सामने सर झुकाओ, उसका नाम लेके कि हाँ मेरे पति अच्छे हैं, तो ये नहीं कि पैर छू लिया, भगवान को पैर छुआ कि हाँ काश भगवान ऐसा ही पति मेरे को हर जन्म में दे, चाहे इनकी सोच ऐसी ही बनाए रखना। जैसे हिंदुओं में जो तो आजकल ना सब का हम पैर छूलते हैं, टू जेड पर्सन जो हमसे बड़ा है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो नॉर्मल चाचा था ये वो हर जगह, चलो एक नॉर्मल चलता भी है, पर हर टाइम उसको भगवान मान के नहीं पूछना है। रिस्पेक्ट के लिए भी कोई सर झुकाता है, भगवान मान के झुकाना जरूरी है, भगवान मान के और सच्चे दिल से झुकाना है तो ऊपर झुकाना है जो आपके अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है। तो बिल्कुल सही बात जजेस अंसारी द्वारा की गई है दोस्तों। ये वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और दूसरी बात दोस्तों कमेंट कीजिए तो लिंक भी दे दीजिए कि वीडियो का किस वीडियो पे हम लोग आपके रिएक्शन दें, या नाम अच्छे से लिख दीजिए, जो उस वीडियो में नाम लिखा हो वो सेम नाम लिखिए, तो हम लोग उस वीडियो पे पक्का रिएक्शन देंगे दोस्तों। बस 2 दिन का टाइम होगा क्योंकि जो वीडियो में शूट की होती है पहले उसको डालना होता है, लेकिन कोशिश करेंगे फिर उसके बाद जो बनाएंगे और आपने जो सजेस्ट किया होगा उसको भी हम जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर ले आएंगे वीडियो। ओके दोस्तों, तो प्लीज नाराज ना हो और इस बार आप लोग लिंक दीजिए, हम लोग पक्का बनाएंगे। ओके दोस्तों।